गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हेवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की जो आप लोगों की क्लास है, काफ़ी अच्छी क्लास है। इससे पहले जो क्लास आप लोगों की हुई थी वह संडे को हुई थी, है ना। कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आप लोगों के जो 50 क्वेश्चन थे वो आप लोगों के रह गए थे। तो मैं यह सोच रही हूँ कि वो 50 क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं वह मैं फटाफट से आपके यहाँ पर करवा दूँ। और कैसे हैं आप सभी यहाँ पर? मैम कहाँ हैं? बिल्कुल यहीं पर हूँ, आप लोगों के पास ही हूँ, कहाँ जाऊँगी। चलो तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये गुड मॉर्निंग कौन बच्चा कर रहा है? दानिश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, दीपक, आकाश। चलो तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता देती हूँ कि आप लोगों की जो क्लास है वह अन एकेडमी एप्लीकेशन में मैंने लेनी स्टार्ट कर दी है। जो क्लास सुबह 9:45 यहाँ पर होती है, तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वह सभी उस क्लास में यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके अलावा कल से मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास भी यहाँ पर लेना शुरू कर दूंगी, जो कि फ्री रहेगा। उसके लिए आपको किसी भी तरह का कुछ भी पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिलैक्स आप लोग यहाँ पर रहिएगा, ठीक है। चलो तो सभी ठीक हैं, सभी अच्छे होंगे, ऐसी मैं कोशिश यहाँ पर करती हूँ। और जिन्होंने अभी तक अन एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से डाउनलोड भी कर लीजिए, ठीक है, डाउनलोड भी कर लीजिए। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो पढ़ा दिया था वो तक पढ़ा दिया था, 100 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो फटाफट से 91 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे काफी तेजी से। चलिए कोई बात नहीं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या यहां पर, वह है कुछ इस तरीके से, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया था। 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर करा रही थी, ठीक है। ठीक है रोहित, ओके सनी, नमस्ते सभी को। दिवाकर, रोज फिल्म, नमस्ते सभी को, नमस्ते। चलो चलिए तो आगे अब हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले 100th क्वेश्चन जो हमारा है, यानी कि जो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसी को हम यहाँ पर पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द हाइबरनेशन, चलिए जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। और ऑलरेडी मैंने यह क्लास आप लोगों की करवाई हुई है, ऑलरेडी मैंने यह आप लोगों की क्लास यहाँ पर करवाई हुई है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप में से किसी का भी आंसर यहाँ पर नहीं आया है, ऑलरेडी मैंने यह क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है, फिर भी आप यहाँ पर गलत आंसर कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी शेमफुल, ठीक है। बताओ जल्दी से कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं, अभी तक किसी का भी आंसर यहाँ पर ठीक नहीं आया है, अभी तक यहाँ पर किसी का भी आंसर बिल्कुल भी ठीक नहीं आया है। डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी आपका हाइबरनेशन होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है, चलिए जल्दी से बता दीजिए। हाइबरनेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब है कि ठंड के टाइम पर, ठंड के टाइम पर अगर आप देखें तो जो भी भालू होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आपके डिफरेंट तरह के जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, वह क्या काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने आप को ढाल लेते हैं, खूब खाते पीते हैं और एक बिल में जाकर के, गुफा में जाकर के छुप जाते हैं। और जब वह गुफा में जाकर के छुप जाते हैं तब उनको क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सौंदर्यकरण के बारे में, तो जो सौंदर्यकरण है यह सही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर एस्टिवेशन ही लिख लो, या फिर आप इसको लिखोगे ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन निद्रा, ग्रीष्मकालीन निद्रा, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो अगर आप जानवरों के बारे में बात करते हैं तो उनका जो थर्मल अनुकूलन होता है, उनके एनिमल्स के बीच में जो थर्मल एडेप्टेशन होता है, उसी को ही हम हाइबरनेशन और ग्रीष्मकालीन निद्रा उसको हम यहाँ पर कहते हैं, शीत निद्रा और जो आपका शीत निद्रा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लिखा हुआ है, बेटा पढ़ लो यहाँ पर, पता नहीं क्यों आप लोग पढ़ते नहीं हो, इधर उधर की बातें क्यों करते रहते हो, मुझे ये चीज समझ नहीं आई आज तक आप लोगों की, ठीक है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वह है कि फोग दैट मोस्ट ऑफन फॉर्म एज वार्म रेन फॉल इन टू द कोल्ड लेयर ऑफ सरफेस एयर इज कॉल्ड, यानी कि कोहरा जो ज्यादातर बार गर्म बारिश के रूप में बनता है, सतह की ठंडी परत में गिरता है, उसको क्या कहा जाता है,
उसको क्या कहा जाता है? चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? अभी तक आपका यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं आ रहा है और मुझे यहाँ पर अब बच्चों के मैसेजेस भी नहीं दिख रहे हैं। चलो जल्दी से आंसर करेंगे बेटा इसका, यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर जो होगा वो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इवोपोरेशन के बारे में, वाष्पीकरण मिश्रित कोहरे के बारे में, तो यह आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो अगर हम एक इस तरह के फोग के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मोस्ट ऑफन फॉर्म्स एन वार्म रेनफॉल इन टू द कोल्ड लेयर ऑफ द सरफेस एयर इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कोहरा यहाँ पर उसको कहा जाता है। अब आप में से जो काफी बच्चे होंगे उनको यह नहीं समझ आया होगा कि यह क्या है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर वाष्पीकरण फॉग के बारे में बात करते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि जो भी मतलब आपके जलवायु में जो कुछ भी कोहरा बन रहा है उसके हिसाब से इसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कुछ इस तरीके से कि फाइन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर इज कॉल्ड, हवा में फैले माहीन कार्बनिक या अकार्बनिक कणों को क्या कहा जाता है? चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा? चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर जो होगा वो यहाँ पर सी आंसर होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर यह कह रहे हैं कि एक बार टाइम टेबल बता दीजिए, बेटा जी टाइम टेबल जो है वह ना टाइम टेबल है वह आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिखाई दे देगा, ठीक है। ठीक है हेलीकॉप्टर, ठीक है हिमानी। तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है जितेंद्र, आंसर की अगर हम, कोई बात नहीं लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर एरोसोल के बारे में बात करते हैं तो एरोसोल क्या होता है? एरोसोल की अगर हम बात करते हैं तो यह एक तरह का ऑर्गेनिक या फिर आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से यह कण होते हैं जो अगर आप एयर के बारे में बात करते हैं तो एयर में इधर उधर उड़ते रहते हैं और इनको क्या कहा जाता है? पर्टिकुलेट मैटर भी इनको यहाँ पर कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर शूट के बारे में बात करते हैं, कालिख के बारे में, या फिर आप फ्लैश के बारे में बात करते हैं यानी कि चिंगारी वगैरह निकल रही है, या फिर आप डस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप फर जैसे जानवर होते हैं उनके छोटे छोटे से जो बाल होते हैं उनको फर कहा जाता है, या फिर आप बात करते हैं हेयर के बारे में जिसको आप नॉर्मली बाल कहते हैं, या फिर आप छोटे छोटे स्पोर्स के बारे में बात करते हैं जिसको आप बीजाणु कहते हैं, तो यह जब हवा में ऐसे ही घूमते रहता है तो उसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर एरोसोल कहा जाता है। और यह एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट बनाने का काम भी करता है, यानी कि एक तरह का यह वायु प्रदूषण करने का काम भी यहाँ पर करता है। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सीएफसी के रूप में उपयोग किया जाता है, सीएफसी आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स। अगर आप रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जो रेफ्रिजरेटर है उसमें सीएफसी का यूज किया जाता है और किस तरीके से उसका यहाँ पर यूज किया जाता है? चलो एक बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि कॉपी करवाई है मैम आपने। बेटा क्या कॉपी करवा दी, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो? एक बच्चा कह रहा है कि मैम चैट में कोई अमृता मैम है। कौन अमृता मैम आ गई अब बेटा जी? पीडीएफ नहीं मिल रहा है गुरु दुबे, पीडीएफ आपको आपके वहां पर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं आंसर की। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी एफ सी मतलब क्या होता है, कौन बच्चा यहाँ पर बताएगा? इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह कौन सी होती है यहाँ पर? वह होती है क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ठीक है। ये नॉन टॉक्सिक होती है और मतलब कि जहरीली नहीं होती है, ये नॉन फ्लेमेबल होती है यानी कि इससे आग वाग नहीं लगता है,
और अगर आप देखें तो इसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन सबका एटम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो यूज़ किया जाता है वह रेफ्रिजरेटर, फ्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि आपका एरोसोल प्रोपेलेंट, मतलब कि जैसे कि अगर आप स्प्रे वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्म की अगर आप बात कर रहे हो, है ना, फॉर्मिंग फेस वॉश या फिर कोई भी फॉर्म, जैसे आपका बर्थडे वगैरह होता है तो आप फॉर्म वगैरह उड़ाते हो, उसके अंदर यह होता है। और बहुत सारे पैकिंग मटेरियल के अंदर भी अगर आप देखें तो उसमें भी यह पाया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन रिफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ, रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण के लिए काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह आजकल बहुत चर्चा का भी विषय है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम रामसर के बारे में बात करते हैं तो यह किसके लिए काम करता है? वेटलैंड के लिए काम करता है, जिसको कई बार आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो जो भी हमारा रामसर कन्वेंशन है, जो भी हमारा रामसर कन्वेंशन है, वह वेटलैंड के लिए यहाँ पर काम करता है और उसको बचाने के लिए यह काम करता है। और एक्चुअली में इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है इस अधिवेशन का, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ईरान के बारे में, किसके बारे में? ईरान के बारे में, तो ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर, और वहीं पर यह कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया गया है। तो बहुत बार यह क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द अर्थ एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इंटू लेयर बेस्ड ऑन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ, पृथ्वी के वायुमंडल को ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल के आधार पर परतों में विभाजित किया गया है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर वायुमंडल के बारे में बात करते हैं, तो जो भी आपका वायुमंडल है उसको आप अलग अलग परतों में बांट करके पढ़ते हैं, पांच तरह से। और यह जो प्रोफाइल बनाई गई है, ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल, यानी कि यह जो नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसको हम देखते हैं कि जो यह वर्टिकली प्रोफाइल जो हमारी होती है, यह किसको देख करके ऐसे विभाजित किया गया है? हवा का दबाव देखते हुए, या फिर हवा का तापमान यानी कि एयर टेम्परेचर देखते हुए, या फिर एयर की डेंसिटी देखते हुए, या फिर विंड डेंसिटी देखते हुए? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो जो आप यहाँ पर अगर आप देखो, तो जो भी आपका अर्थ एटमॉस्फेयर है उसको डिफरेंट लेयर में हम किस आधार पर बांटते हैं, कि हवा का जो तापमान है वह किस तरीके का यहाँ पर है, ठीक है? तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच वॉटर बॉइल्स डिपेंड्स मेनली ऑन, पानी का तापमान किस पर मुख्य रूप से निर्भर करता है? चलो चलिए से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। द टेम्परेचर एट विच वॉटर बॉइल्स डिपेंड्स मेनली ऑन, क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर जो होगा वह हो जाएगा यहाँ पर एयर प्रेशर। क्या हो जाएगा? एयर प्रेशर, यानी कि हवा का दबाव, हवा का दबाव, ठीक है? ठीक है, नमस्ते सुग्रीव, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ट्रिक छोड़ सबको मैं गया बाहर, अच्छा नहीं समझ आया मुझे, ठीक है अल्पू, चलो। तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर जो होगा कि द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स डिपेंड्स मेनली ऑन एयर प्रेशर, ठीक है, हवा के दबाव पर ही पानी का तापमान निर्भर करता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन टेम्परेचर इन्वर्जन, अगर आप यहाँ पर तापमान इन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक तापमान इन्वर्जन में क्या होता है, एक तापमान इन्वर्जन में क्या होता है? चलो चलिए आंसर कर देंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि अगर हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, या फिर अगर हम क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं, और वहाँ पर टेम्परेचर में एक हम अलग नॉर्मल बिहेवियर देखते हैं, एक अलग तरह का टेम्परेचर का व्यवहार देखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। और तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। तो
तो जब हम कभी भी क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसमें नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि बढ़ती ऊंचाई के साथ हवा का जो तापमान होता है वह कैसा होता है, बढ़ता चला जाता है। और इसी बिहेवियर को क्या कहा जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर। अगर आप बात करते हैं तो जो भी हमारी अर्थ होती है उसमें जो सबसे निचली परत होती है, और वो जो निचली परत होती है वह सटी हुई है हमारे अर्थ सरफेस से, वह कौन सी होती है, क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म बायोटाइप मीन्स, जो शब्द यहाँ पर बायोटाइप लिखा है इसका क्या मतलब है। द टर्म बायोटाइप, बायोटाइप मतलब क्या है, कि ऑल इंडिविजुअल हैविंग सेम फिनोटाइप, क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर सही कर पाते हैं। और नमस्ते, ठीक है संजीव, नमस्ते। डिजिटल बोर्ड किसने ले लिया बेटा, किसी ने ले लिया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रही हूँ लास्ट वन वीक से, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रही हूँ। चलो हाँ बिल्कुल सही बात है, अब मैम को ठंडी लग गई है, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के, कोई बात नहीं सूरज, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट होगा उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर आप यह देखेंगे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है फिनोटाइप और एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर जीनोटाइप। ठीक है, अगर आप फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं तो फिनोटाइप मतलब होता है कि किस तरीके से हम दिखाई देते हैं, किस तरीके से हमारा जो कहना चाहिए कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, जिस तरीके से हमारा जो शारीरिक बनावट है वह किस तरीके का है, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से हमारे जो जीन्स हैं वह लगे हुए हैं, किस तरीके का हमारा अनुवांशिकी व्यवस्था है, किस तरीके का हमारा जेनेटिकली अरेंजमेंट है, उसकी अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। तो एक आपका क्या हो गया फिनोटाइप और एक आपका हो गया जीनोटाइप। तो जैसे हम सभी दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे हम सभी दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं वह क्या कहला रहा है, यहाँ पर आप बताएंगे कि बायोटाइप यहाँ पर कहला रहा है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देते हैं उनके लिए एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और वह है बायोटाइप। यह बिल्कुल आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है फैटल डीजनरेटिव लंग डिजीज कॉज्ड बाय पर्टिकुलेट एस्बेस्टोस इज रिफर्ड टू एस। यानी कि अगर हम पर्टिकुलेट एस्बेस्टस के कारण होने वाले घातक अपक्षयी फेफड़े के रोग के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया कि अगर यहाँ पर एस्बेस्टस के की वजह से आपको कोई भी फेफड़े का एक घातक रोग हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। और उसको क्या कहा जाएगा, एस्बेस्टोसिस उसको यहाँ पर कहा जाएगा। यहाँ पर आप यह देखेंगे कि जो भी आपका फेफड़ा है, जो भी आपका फेफड़ा है वो कैसा हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है और स्कैरिंग मतलब छोटे छोटे से दाग धब्बे से भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, जो भी आपके एबेस्टोस फाइबर्स होते हैं उन्हीं की वजह से यह रोग यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि रेडिएशंस आर हार्मफुल एज इट, विकिरण किसके रूप में हानिकारक है। चलो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाया भी हुआ है कि अगर हम विकिरण रेडिएशन के बारे में बात करते हैं और खास तौर से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कौन सा, यूवी रेज, परावैक्नी किरणों के बारे में बात करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा क्या कारण देता है। तो प्यारे बच्चों रेडिएशन की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो रेडिएशन है अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकल रहा है या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि वह विकिरण के रूप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की तरह भी आ रहा है तो हमेशा यह ध्यान रखना कि वह हमारे लिए डेंजर है, वह कैंसर कॉज करता है। और सबसे पहली चीज़ तो वह हमारा जो स्किन का कैंसर है वह बनाने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, बात समझ आ गई है। चलो
अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी। चलिए आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन मिडिल लैटिट्यूड्स विच क्लाउड विल हैव द लोएस्ट बेस, यानी कि मध्य अक्षांशों में किस बादल का आधार सबसे कम होता है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पर बी आंसर होना चाहिए कि अगर हम मध्य अक्षांशों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर जो बादल बनते हैं तो विच क्लाउड विल हैव द लोएस्ट बेस, तो सबसे नीचे के जो बादल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटो क्यूमुलस उनको यहाँ पर कहा जाता है। और अगर आप देखें तो ग्राउंड से जब ये बादल आपको दिखाई देंगे तो ग्राउंड से इनकी जो दूरी होगी वह लगभग 6000 फीट के आसपास होती है और यह बहुत ही सिंपलेस्ट और लो क्लाउड होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको फोग बनता हुआ भी यहाँ पर दिखाई देगा, धुंध बनता हुआ भी आपको आसानी से यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, यह आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नए तरीके का क्वेश्चन था। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है रवि, ओके, ठीक है माया, इकबाल, हैदर, ओके, सभी ने नोट कर लिया इसको, ओके वेव। आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच एसोसिएटेड बिलो इज नॉट करेक्ट, नीचे में से कौन सा संघ सही नहीं है। तो जब भी यहाँ पर इस तरह से नहीं वाला जो आंसर आता है उसको नॉट आंसर जो आता है, ठीक है मालू, नमस्ते सोनिया यादव, नमस्ते नमस्ते, ठीक है शुक्रिय। तो यहाँ पर फटाफट से आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि विच वन इज नॉट करेक्टेड, इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लो, ए आंसर जो होगा, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है पहले तो मुझे ये आंसर करिए, नहीं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही हैं, है ना। आप लोगों ने सभी ने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी बेटा, उसमें ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ, है ना। तो आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द विंड डायरेक्शन इज, अगर हम वायु या हवा की दिशा को देखते हैं तो हवा की दिशा किस तरीके की होती है। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग, यानी कि वह दिशा जिससे हवा बह रही हो, या फिर द डायरेक्शन टू विच द विंड इज ब्लोइंग, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि द विंड डायरेक्शन इज, यानी कि जब विंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग, यानी कि अगर हम किसी भी हवा की दिशा जानना चाहते हैं तो जिस तरफ से हवा आ रही होती है वही से ही हमको विंड की डायरेक्शन भी यहाँ पर मिलती है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए कि जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काफी बच्चे यहाँ पर सी आंसर कर रहे हैं, बेटा यहाँ पर प्रेशर के बारे में बात तो हो ही नहीं रही थी, खैर। तो आंसर जो होगा वो यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विंड डायरेक्शन इज रिपोर्टेड बाय डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ओरिजिनेटेड, यानी कि जब भी हम किसी भी हवा की दिशा को देखना चाहते हैं तो यह देखेंगे कि जहां से उसका उद्गम हुआ है, जहां से वह ओरिजिनेट हुआ है वही क्या कहलाती है, हवा की दिशा कहलाती है। तो आंसर जो होगा वह यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है एनवायरनमेंट का, जब मैंने आप लोगों की क्लास ली थी तो वहां पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, है ना। तो चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका यहाँ पर कि कोई भी अगर पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई भी अगर इकोसिस्टम है तो उसमें एनर्जी का जो पिरामिड होता है वह कैसा होता है, वह कैसा होता है। चलो जल्दी से आंसर करो बेटा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अपवर्ड, कैसा होता है, ऑलवेज अपवर्ड। वेरी गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया।
तो प्यारे बच्चों, आंसर की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल आयत बिल्कुल सही है। अन अकेडमी पर जो मेरी क्लास होती है वह 9:45 AM पे होती है, यानी कि सुबह 9:45 बजे मेरी अन अकेडमी में क्लास होती है, और आप लोग उस क्लास में ज़रूर आइए। ठीक है, चलो, ठीक है सोनू, वेलकम। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, हैप्पी, हिमानी, ओके। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि वेल के पेट पर उगने वाली बर्नालेस किसका एक उदाहरण है। चलो चलिए आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बताइए फटाफट से बेटा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बर्ना सेल्स हैं, ठीक है, जो बर्ना सेल्स हैं वह क्या है, वह क्या है आप बताएंगे, टेंटिकल लाइक सीरीज होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो वह कुछ घास फूस सा वह दिखाई देते हैं, और जो भी हमारी वेल होती है, जो भी हमारी वेल होती है ना, जो भी हमारी वेल होती है, उस वेल की जो पीठ होती है वहां पर आप क्या देखोगे कि कुछ घास जैसा आपको कुछ इकट्ठा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेल की पीठ पर जो इस तरह से ग्रोथ आपको दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है आप बताएंगे, बर्निकल्स उसको कहा जाता है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि जो भी आप वेल देख रहे हैं उसकी पीठ पर आपको जो इस तरीके से बर्नलेस दिखाई दे रहे हैं वह किसका एग्जाम्पल है, वह किसका एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉमन सेलिज्म। क्या आंसर हो जाएगा? कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म का यह मतलब होता है कि जहां पर दो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग तरह के जीव एक साथ रह रहे हैं, और जो वेल है वो अपना खा रही है पी रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और इसके ऊपर जो पैरासाइट की तरह, एक परजीवी की तरह यहाँ पर जो यह ग्रोथ उगी हुई है, या भी अपनी खा रही है पी रही है और एक जगह से दूसरी जगह इस वेल की पीठ में सवारी करके जा रही है। देखो कितना बढ़िया है, इसको वेल की सवारी मिल रही है, तो वेल की सवारी करके यह जा रही है, और लेकिन जो वेल है उसको इसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसको किसी तरह का कोई लाभ पहुंच रहा है, ना ही उसको किसी तरह की कोई हानि पहुंच रही है, और इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यहाँ पर कॉमन सेलिज्म। तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कॉमन सेलिज्म। ठीक है, बिल्कुल नया क्वेश्चन था, है ना, नया क्वेश्चन था, मजा आया पढ़ने में। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि पेनिसिलियम डज नॉट स्वॉलो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस, दिस शॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड। चलो जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर। जो बेटा मेरी वाईफाई में जो क्लास होती है वह शाम को 8 बजे होती है। चलो चलो जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम जीवाणु जो है आपका, पेनिसिलियम है वो एक तरह का कवक है, और जो स्टेफाइलोकोकस है वो एक तरह का जीवाणु है। तो चलो जल्दी से आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है गुंजन, नमस्ते नमस्ते, बताइए फटाफट से। तो प्यारे बच्चों, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एमेंसिलिज्म के बारे में। एमेंसिलिज्म मतलब क्या होता है उसको आप समझिए। हमारे पास एक पैट्री डिश है, क्या है हमारे पास, एक पैट्री डिश है। ठीक है, हमारे पास एक कांच का बर्तन है, उस कांच के बर्तन में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्या उगी हुई है, बैक्टीरिया उगी हुई है, और इस बैक्टीरिया का जो नाम है वह है यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस। क्या है इस बैक्टीरिया का नाम? स्टेफाइलोकोकस। अचानक से पता नहीं कैसे यहाँ पर क्या एक आ जाता है, इस तरीके से फंगस उग जाता है। क्या उग जाता है? एक कवक उग जाता है, और उस कवक का क्या नाम है? पेनिसिलियम। क्या है उस कवक का नाम? पेनिसिलियम। तो थोड़ी देर बाद हम यह देखते हैं कि जो आपका कवक है वह तो काफी अच्छे से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जहां पर कवक है, जहां जहां पर कवक आपको दिखाई दे रहा है, वहां वहां पर अगर आप देखो तो जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कैसी हो गई है? काफी कम हो गई है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वह काफी कम हो गई है ना, दूर दूर हो गई है, काफी कम हो गई। इधर आपको डेंस दिखाई देगा बट इधर काफी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि यह जो आपका कवक है इससे कुछ सिक्रीशन निकल रहा है। क्या सिक्रीशन निकल रहा है जिसको क्या कहा जाता है?
एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक निकल रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक जीव है जिसका नाम है फंगस यानी कि कवक, और दूसरा एक जीव है जिसका नाम है यहाँ पर बैक्टीरिया। तो जो कवक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कैसा है यहाँ पर, बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो हमारी बैक्टीरिया है वो कैसी हो रही है, मरती चली जा रही है, माइनस। क्या माइनस? तो जब इस तरह का सब एक इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें जब दो लोग साथ में रह रहे हैं और एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो उसको कुछ पॉजिटिविटी वाली बात है, ना तो कुछ नेगेटिविटी वाली बात है, ना तो उसको कुछ हानि पहुंच रहा है, ना तो उसको कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा वाला है उसको हमेशा नुकसान ही हो रहा है, और इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहा जाता है, एमनसेलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमनसेलिज्म कहा जाता है। ठीक है सत्यम, नमस्ते। ठीक है राशिद, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप अभी नया नया सीख रहे हो ना, तो परेशान मत हो। ठीक है, दूसरी जो हम यहाँ पर बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को संडे की क्लास में भी बताया था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट में पेनिसिलियम नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी जो कि फर्स्ट बायोटिक थी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, द सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। मैंने बहुत ही अच्छे से ये पढ़ाया है बेटा, नेशनल पार्क भी पढ़ाया है आप लोगों को, और मैंने अभयारण्य यानी कि सेंचुरी भी पढ़ाई है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, द सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। ठीक है रॉकी, फटाफट से आंसर करेंगे इसका यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर जो होगा वह यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी के बारे में बात करते हैं तो थाटेकर बर्ड सेंचुरी इसको यहाँ पर कहा जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही अलग अलग तरह की जो बर्ड की स्पीशीज़ है वह यहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ पर सभी तरह की बर्ड पाई जाती है, यानी कि जंगली जो पक्षी हैं वह भी पाए जाएंगे और जो पानी में जो पक्षी होते हैं वो भी यहीं पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर कौन ऐसा स्टूडेंट है, कौन ऐसा शानदार स्टूडेंट है जो मुझे यहाँ पर बताएगा कि जो थाटेकड़ सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य है, वह कहाँ पर है? क्या वह जम्मू कश्मीर में है, क्या वह हिमाचल प्रदेश में है, क्या वह केरला में है, क्या वह कर्नाटका में है? चलो चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर, देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर करता है। देखते हैं कुछ, है ना, जो पढ़ाया है वह कितना आप लोगों को याद है वह देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है मेनका कुमारी, आंसर की अगर हम बात करें तो जो बच्चे यहाँ पे जम्मू कश्मीर बता रहे हैं वह बिल्कुल गलत बता रहे हैं। यही तो बात होती है बेटा कि डेली पढ़ने आओ, है ना, डेली पढ़ने आओ। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? केरला। क्या आंसर हो जाएगा? केरल। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम हमने तो यह देखा था कि जो सलीम अली हैं वो तो जम्मू कश्मीर के थे। हाँ बिल्कुल, वो जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन उन्होंने जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य बनवाया वो कहाँ पर है अभी आपका? आप बताएंगे कि वह जो आपका बर्ड सेंचुरी है वह कहाँ पर है? थाटेकड़ में है। ठीक है, क्लियर है? अगर बाय चांस यह नहीं दिया है तब किसके ऊपर आंसर करोगे? गोवा के ऊपर। तब किसके ऊपर आंसर करोगे? गोवा के ऊपर। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। जो यूनियन कमीशन है वह हमेशा क्या काम करती है? केरला को सही कर देती है। अगर बाय चांस आपके ऑप्शन में यह नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा किसको टिक करेंगे? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वह कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि रिमांडर गोवा में है, रिमांडर गोवा में है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एट वेरियस एल्टीट्यूड इन द एटमोस्फियर। चलो हाँ हाँ दानिश, बिल्कुल आप सही बता रहे हो कि जो आप बर्ड सेंचुरी है वह गोवा में है, लेकिन अब वहां पे गोवा तो दिया नहीं था ना ऑप्शन में, तब क्या करेंगे, है ना। चलिए अब हम यहाँ पर करियर एकेडमी यूट्यूब एमपी की जो पुलिस एमपी पुलिस की जो साइंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
ठीक है जीनियस रुद्र, नमस्ते सभी को। चलो जल्दी से आंसर करो इसका। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बताइए फटाफट से। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एट वेरियस एल्टीट्यूड इन द एटमोस्फियर। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको यहाँ पर सही करते हैं, बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स काफी जो आप में से बच्चे हैं वह कहेंगे बैरोमीटर, क्या कहेंगे यहाँ पर बैरोमीटर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेडियो सोंडे के बारे में, तो जो रेडियो सोंडे होते हैं वह क्या होते हैं, इट इज द बैलून बॉर्न इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म विद रेडियो ट्रांसमिटेड कैपेबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ओवरऑल इसका जो आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी आंसर यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि जो रेडियो सोंडे यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है तो उस टाइम पर आप बैरोमीटर को यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अगर वह खाली बैरोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा यहाँ पर, आप बताएंगे बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आज का सबसे हल्का प्रश्न, चलिए फिर भी काफी बच्चे इसको गलत कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द स्पीशीज दैट फ्लावर आर कॉल्ड, वह प्रजाति जिसमें फूल आते हैं या वह प्रजाति जहां पर फूल खिलते हुए आपको दिखाई देते हैं। चलिए चलिए से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बेटा जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान में रखते हुए जाओ, यह जो क्वेश्चन है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं। अगर नॉर्मली कोई बच्चा होगा तो वो बैरोमीटर ही लगाएगा क्योंकि वह पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। तो बैरोमीटर जो होता है वह आपके दबाव को बताने का काम करता है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी सब कुछ अगर वह कर रहा है एक साथ तो उसको क्या कहा जाता है, रेडियो सोंडे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर। अगर आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है यहाँ पर, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, यानी कि पुष्पधारी पौधे भी इनको यहाँ पर कहा जाता है। अगर आप देखो तो इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्लांट हैं वो यही है आवृतबीजी, और इन्हीं में ही फूल भी खिलते हैं और यही आगे जाकर के फ्रूट्स यानी कि फल देने का काम भी यहाँ पर करते हैं, और इनके बीजों के ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग पाई जाती है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आवृतबीजी या फिर एंजियोस्पर्म्स इनको यहाँ पर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डेसीडियो स्पोर्स आर कंसिडर्ड टू बी ए मेजर सोर्स ऑफ, डेसीडियो स्पोर को इसका एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। चलो जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बताइए फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बताइए फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो आंसर होगा वह यहाँ पर ए आंसर होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, एयर बॉर्न एलर्जेंस। तो अगर आप देखते हो कि जो भी बेसिडियो स्पोर्स हैं या फिर छोटे छोटे से जो स्पोर्स होते हैं, जो बीजांड होते हैं, जो पेड़ पौधों के एक तरह से बीज की तरह काम करते हैं, जब वह हवा में घूमते रहते हैं तो उनकी वजह से हमको क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है हवा के माध्यम से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ए बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक का एक उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है, अजैविक घटक का एक उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। और जब मैंने आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया था तो काफी अच्छे से मैंने यहाँ आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो कोशिश करना कि गलत ना हो। तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संजीव मैंने आपको जो लास्ट में बताया उसको ध्यान रखना, यहाँ पर सेंचुरी के बारे में बात हो रही थी जो कि गोवा में है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे मैं नेशनल पार्क के बारे में बात नहीं कर रही थी। चलो
तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बताएंगे कि आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी आंसर, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी पर्यावरण के बारे में बात करते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो वह दो प्रकार के, यानी कि अगर आप किसी भी इकोलॉजी या फिर आप किसी भी इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी पारितंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी आपका पारितंत्र होता है वह कैसा होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट, जिसको आप क्या कहते हैं, भौतिक कारक कहते हैं या फिर अजैविक कहते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जिसको आप यहाँ पर क्या कहते हैं, जैविक आधार आप यहाँ पर कहते हैं। तो अगर जब भी आप यहाँ पर बात हो कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, तो इनके अंदर जान नहीं होगी या जीवित नहीं होंगे, लेकिन जीवित रहने के लिए इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एयर के बारे में बात करते हैं, हवा के बारे में, आप सॉइल के बारे में बात करते हैं, वाटर के बारे में बात करते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो ये कैसे हैं, ये हैं भौतिक कारक, अजैविक, अबायोटिक, लेकिन इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बायोटिक के बारे में बात कर रहे हैं तो बायोटिक में मैंने आपको तीन बताया था। पहला क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पर, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था प्लांट्स, जितने भी पौधे होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके अंदर जीवाणु वगैरह आता है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नहीं नहीं हिमालयन, ये सारा सब कुछ पढ़ाया बेटा, इन्वायरमेंट जब मैंने पढ़ाया था तो यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं राशिद, गलत हो जाता है कभी कभी। चलिए आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि पॉल्यूटेंट्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड एज। अब मैंने यह क्वेश्चन ना सीधे सीधे पढ़ाया है, जो मैंने आपको एनवायरनमेंट के इंट्रोडक्शन की जो क्लास पढ़ाई है, सीधे सीधे यह क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो तो जल्दी से आंसर करेंगे। अब जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर है, बेटा इसके लिए मैंने 10 दिन की एक स्पेशल एनवायरनमेंट की क्लास ली थी, डेफिनेटली आप उसको यहाँ पर पढ़िए, ठीक है। चलो आयत कह रही है कि मैम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाइए, बेटा एग्जाम ओरिएंटेड ही है, यही आपके एनटीपीसी में है ना, दिल्ली पुलिस में इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं, एनटीपीसी में यही सब आने वाला है। तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर पॉल्यूटेंट के बारे में बात करें तो मानव जनित, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं आएगा, ऐसा ही लिखा हुआ आएगा एंथ्रोपोजेनिक लिखा हुआ यहाँ पर आएगा। तो ये जो शब्द है एंथ्रो, मैंने उस टाइम पे भी आपको समझाया था कि जो एंथ्रो है, एंथ्रो मतलब होता है मनुष्य, है ना, और मनुष्य ने जो कुछ भी यहाँ पर काम किया है ना, उसको क्या कहा जा रहा है, एंथ्रोपोजेनिक कहा जा रहा है, उनके कार्यों से होने वाला जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है गुंजन, ठीक है, ओके, ठीक है सरोज। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन क्लाउड्स आर व्यूड नियर द होरिजन द इंडिविजुअल क्लाउड एलिमेंट यूजुअली, जब बादल क्षितिज के पास देखे जाते हैं तो अगर आप इन बादलों को देखो तो इन बादलों का जो तत्व होता है वह किस तरीके का दिखाई यहाँ पर देता है। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है सुदेश, ओके, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, परेशान मत हो बेटा, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होता है, यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अपीयर क्लोजर टूगेदर देन इट एक्चुअली द केस, यानी कि वास्तव में मामला यह है कि तुलना में करीब यह एक साथ यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जब भी आप किसी भी होरिजन में, किसी भी क्षितिज में आप बादलों को देखते हो तो वह कैसे दिखाई देते हैं, वह वास्तविकता से ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच सी इज रिफर्ड टू एज एन ओशिएटिक डिजर्ट, किस समुद्र को महासागरीय रेगिस्तान कहा जाता है, किस समुद्र को महासागरीय रेगिस्तान कहा जाता है। चलो जल्दी से आंसर कर देंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा,
कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर नोट कर लीजिए, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं सारगेसो सी के बारे में, तो यह आप अगर अटलांटिक ओशन के बारे में बात करते हैं, अटलांटिक महासमुद्र के बारे में बात करते हैं, महासागर के बारे में बात करते हैं, तो उसी के साइड में एक हिस्सा यह होता है जिसको आप सारगोस सी यहाँ पर कहते हैं। और दूसरे सी के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखो तो किसी भी तरीके की कोई भी लैंड बाउंड्री आपको इसके पास दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का सी वीड दिखाई देता है, यानी कि समुद्री घास आपको यहाँ पर दिखाई देती है। किस कलर की? ब्राउन कलर की, जिसका नाम है यहाँ पर आपको बताना है सारगेसम। क्या नाम है? सारगेसम। सारगेसम नाम की आपको यहाँ पर एक सी वीड दिखाई देती है, यानी कि एक समुद्री घास आपको यहाँ पर दिखाई देती है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? महासागरीय रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इस घास की वजह से, इस समुद्री घास की वजह से यहाँ पर जो दूसरे एक्वेटिक, जो जलीय पशु हैं, या जो एक मरीन वाटर में, एक समुद्री पानी में उगने वाले जो बेसिक जो प्लैंकटोन्स होते हैं, जो पादप प्लवक होते हैं, वो सब यहाँ पर उतने अच्छे से नहीं उग पाते हैं। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर जो फिश होती है वो कैसी हो जाती है? मर जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? महासागरीय रेगिस्तान इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन था। ठीक है आरुषि, स्टडी ओके। आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में एट नाइट लो क्लाउड्स। अगर हम रात में के बारे में बात कर रहे हैं तो मैम आप अनअकैडमी पर एसएससी के लिए बैच लाइन, ये क्या? बेटा अभी मैंने बात की है उनसे, है ना, उन्होंने भी बात की है, अभी एक दो दिन में या फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा एसएससी के लिए भी, परेशान मत हो। तो एट नाइट लो क्लाउड्स, रात के टाइम पर अगर हम बादल को देख रहे हैं तो वह क्या है? चलो जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पर होगा ए आंसर, एनहेंस द एटमोस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर आप यहाँ पर रात के टाइम पर भी थोड़े से बादल आप देख रहे हैं, इसका मतलब कि एटमोस्फेयर में ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सुबह फिर से मिलते हैं, सुबह 9 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर होगी, और फिर उसके बाद आप लोगों की स्पेशल क्लास होगी 9:45 बजे से अनअकैडमी एप्लीकेशन में। तो आप सभी से मैं वहाँ पर मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, और ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।